हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो आज हम एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो काफ़ी सिंपल एंड डिसेंट है, और आप प्रिंटेड हो या प्लेन कुर्ती हो, आप किसी में भी ये डिज़ाइन बहुत इजीली बना सकते हैं। यह वैसे तो दो तरीके से बनता है, पर हम इसे गुम तरीके से बनाएंगे, जिससे हम जो डिज़ाइन डाल रहे हैं वो शो भी ना हो और बहुत सुंदर तरीके से दिखाई भी दे। तो देखिए, ये मैंने एक गोल नेक कट करके इसको कपड़े पे अच्छे से अटैच कर लिया है। ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरीके से नेक कट करना है और कैसे इसको कपड़े पे सेट करना है। तो मैंने ये कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ से भी कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नेक जहाँ जहाँ बुकरम है उसके पास पास में एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल पास पास में लगाएंगे सिलाई। एक्चुअली ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें परली साइड में, जो अगर उसकी अपोजिट साइड में वो निशान के तौर पे हमें दिख सके, तो आप चाहें तो एक अलग थ्रेड से भी मतलब इसमें सिलाई लगा सकते हैं जो आपको विजिबल हो। क्योंकि जब हम डिज़ाइन जो बना रहे हैं तो उसको हमें उसी जो सिलाई हम लगाएंगे उसी के ऊपर से स्टार्ट करना है, तो हम बिल्कुल बुकरम के पास पास में हम इसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये देखिए एक चकोर पीस काटेंगे जिसका हमें कंट्रास्ट देना है। तो इस तरीके का पीस काट के हम इसको एक ट्रायंगल शेप देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम ट्रायंगल की जो शेप्स होती हैं उनको इस तरीके से मोड़ेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें रखना है इसको, और धीरे धीरे आप चाहें बिल्कुल पास पास रख सकते हैं या थोड़ा गैप रख के रख सकते हैं, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें इसको रखते हुए जाना है और सिलाई लगानी है। ध्यान रहे जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर ही हमें इनको अटैच करना है, और सिलाई भी उन्हीं के ऊपर ही उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। और ये भी बात ज़रूर ध्यान रखें, जो डिज़ाइन हमें दिखाना है, मतलब सीधा जिस जो डिज़ाइन हमें दिखाना है तो उसका जो सीधा पोर्शन होता है वो हमें सीधा ही रखना है। अब मुझे ये देखिए, मैं ये नोक वाला डिज़ाइन ही मुझे शो करना है, तो मैंने इसे सीधा रख रखा है, हमें उल्टा नहीं रखना जो भी हमें डिज़ाइन रखना है। आप देख सकते हैं जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए ये अपोजिट साइड होगी, ये आपकी शो होगी, तो ये सीधी साइड है, तो आपको सीधा ही इसमें रखना है। तो इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर इसके ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इसको हम कट कर लेंगे और फिर नेक हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। देखिए कितना इस तरीके से हम इनको करेंगे, और ये देखिए सीधी साइड है और ये अपोजिट साइड है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे, तो हम कुर्ती का जो राइट वाला हिस्सा है, मतलब सीधा वाला हिस्सा है, उसके ऊपर ये नेक हम सेट करेंगे। ये नेक भी मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे हमें ये नेक कुर्ती में अटैच करना है, और इसकी स्पेशल एक वीडियो भी है कि नेक कैसे कटिंग करें और कैसे हमें कुर्ती में अटैच करें। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो उसी तरीके से सारे नेक अटैच होते हैं, तो मैं इस तरीके से नेक अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब कुर्ती पे हमने नेक अपना अटैच कर लिया है और उसको छोटे छोटे कट करके हमने इसको ऐसा फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप सिलाई देंगे जिससे ये बिल्कुल नेक सेट हो जाए। तो जो ये हमें टॉप सिलाई देनी है ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देनी है क्योंकि ये हमारी शो होती है। अगर आप इस तरीके की सिलाई देते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ दीजिए, नहीं तो आप पीछे से हेम कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और हम इसमें एक ऊपर की टॉप सिलाई देंगे और उसके बाद पीछे से इसको हम तो हैंड से स्टिच कर देंगे, तो हमारा नेक बनके रेडी है। देखिए तो ये नेक देखिए इस तरीके से नेक हमारा बिल्कुल बनके रेडी है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर आपको, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नेक कैसे बना है और आपको कैसा लगा। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, या हमारे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।